नेक्स्ट में बना सकोगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ग्राफिकल कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, ऐसे ही है ना? तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह, हाँ विजुअल प्रोग्रामिंग में ना, बिल्कुल, कुछ लोग वो भी बनाते हैं उसमें, डाउनलोडर नहीं होते जैसे, उस टाइप की भी चीज़ें बनाते हैं ना, तो उसमें आप ये चीज़ें बना सकते हो, अभी मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा बेसिकली आज हम लोग केस स्टडी एक और पढ़ेंगे जो लास्ट टाइम थी उससे कुछ मिलती जुलती है, ठीक है? कुछ नई चीज़ें होंगी इसमें, वो भी हम देख लेंगे। कहना क्या चाह रहे हैं आपको वो? आपने एक क्लास बनानी है जिसका नाम क्या होगा? एग्जैक्टली सेल्स रिकॉर्ड नाम होगा। उसमें जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से, मतलब वेरिएबल्स कौन कौन से, आइटम का नाम है, क्वांटिटी है, उसकी यूनिट प्राइस है, टोटल प्राइस है, स्टेटस है, ठीक हुई बात? ये आपके पास मिनिमम 4-5 वेरिएबल्स होना ज़रूरी है। आइटम नेम आपको पता है करेक्ट होना चाहिए, क्वांटिटी इंटीजर टाइप की है, यूनिट प्राइस फ्लोट है, टोटल भी फ्लोट है, और स्टेटस जो है वो बेसिकली करेक्टर टाइप है, मैक्सिमम उसमें 10 आ सकते हैं करेक्टर्स, और ये क्यों हम कैश या क्रेडिट के लिए, ठीक हुई बात ना? मीन स्टेटस में रखा करेंगे ये जो सेल हुई थी ये कैश पे थी या क्रेडिट के ऊपर थी, ठीक हुई बात? तो हम लोग ये चीज़ इसमें रखेंगे, क्लियर हो? कैश या क्रेडिट, उधार पे सेल हुई थी या आपके पास कैश की थी। कुछ फंक्शंस आपने बनानी है, कौन कौन से? एक तो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या काम होगा? एग्जैक्टली जो इंटीजर वैल्यूज हैं उनको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक होगी बात? करेगा आपसे इनपुट लेगा, क्या क्या चीज़ें इनपुट लेगा, आइटम का नाम लेगा, क्वांटिटी लेगा, उसका स्टेटस लेगा, उसके यूनिट प्राइस लेगा, ठीक है? तो ये चार चीज़ें बेसिकली वो इनपुट लेगा और टोटल वो ऑटो कैलकुलेट करेगा, टोटल उसने यूजर से नहीं लेना, ठीक है? क्वांटिटी वो इनपुट कर चुका है, यूनिट प्राइस वो इनपुट कर चुका है, इन दो को मल्टीप्लाई करके इस टोटल वेरिएबल में आंसर आप लोगों ने स्टोर करना है, ठीक है? तो ये सारा काम किधर हो रहा है, कहाँ पे? सेट डाटा के अंदर ही होगा, ठीक है? आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड स्टेटस, ये चार चीज़ें इनपुट लेगा, टोटल वो खुद कैलकुलेट करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। मसला तो नहीं है ना, सिंपल सी बात है। शो डाटा क्या करेगा, जितने से वो जो 5 हैं वो आपको क्या कर देगा, शो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। गेट टोटल विदाउट पैरामीटर्स, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? फ्लोट है, ठीक है ना? जो आपके पास पैरामीटर्स के बगैर है इसकी रिटर्न टाइप फ्लोट है, और ये बेसिकली क्या क्या करेगा, टोटल वेरिएबल में जो भी डाटा पड़ा हुआ है, टोटल जो आप कैलकुलेट भी किया है उसको रिटर्न कर देगा, ठीक हुई बात? याद रखना रिटर्न करेगा, सी आउट नहीं करेगा। सॉरी, शो डाटा, शो डाटा तो डिस्प्ले कर रहा है ना, उसका आइटम का नाम भी डिस्प्ले करेगा, क्वांटिटी भी डिस्प्ले करेगा, स्टेटस भी डिस्प्ले करेगा, यूनिट प्राइस भी, सब कुछ, ठीक है? नहीं, ये सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न, रिटर्न टोटल वेरिएबल वैल्यू, सिर्फ एक, ठीक हुई बात? ये टोटल रिटर्न करेगा। इसी तरह आपके पास एक और फंक्शन है गेट टोटल नाम से, ये फंक्शन क्या हुआ हुआ है, ओवरलोड हुआ हुआ है, सेम फंक्शन का नाम, डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक हुई बात? तो इसमें बेसिकली दो पैरामीटर्स जाएंगे गेट टोटल में, ठीक हुई बात? कौन कौन से? सेल्स रिकॉर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन एरे, जो पहला पैरामीटर है वो एरे जाएगा, और एरे की टाइप क्या है आपके पास, सेल्स रिकॉर्ड, ये जो हमने क्लास बनाई है ये आप, ठीक है? और सेकंड पैरामीटर आपके पास क्या है, इंटीजर टाइप का, जिसमें आपने क्या बताना है कि इस गुड, इस एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है? 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, ठीक हो ये बात? तो इस फंक्शन में तो पहली बात है दो पैरामीटर्स जाएंगे, एक पैरामीटर एरेज हैं आपके पास और उसकी डेटा टाइप ही क्लास है, ठीक है? दूसरा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये आप पास करोगे तो बेसिकली वो क्या कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट टोटल सेल एंड रिटर्न। टोटल सेल से क्या मुराद है, ये जो आपके पास सेल्स रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट पास हुआ है, 5 रिकॉर्ड्स पास हुए हैं सपोज करो, तो 5ों को वो क्या करेगा, उनके टोटल को सम अप करेगा और आपको वो रिटर्न कर देगा। तो अगर आप इसकी रिटर्न टाइप देखो तो क्या है, अगेन फ्लोट है। तो आपके पास ये दो फंक्शंस हैं जो ओवरलोड हुए हैं, सेम नाम है लेकिन इनकी फंक्शनैलिटीज दोनों की डिफरेंट है। गेट टोटल जो ऊपर वाला है वो क्या करता है, सिर्फ एक जो ऑब्जेक्ट है उसका डाटा रिटर्न करेगा, और जो गेट टोटल जिसमें पैरामीटर्स पास हो रहे हैं वो इन सब को टोटल करेगा, इस एरे में जितने भी रिकॉर्ड्स आए हुए हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, उन सब के टोटल को प्लस करेगा और आपको रिटर्न करेगा, ठीक है? एज अ फ्लोट ही। मेन फंक्शन में क्या काम करोगे, यहाँ तक क्लास का काम खत्म हो जाएगा। मेन फंक्शन में आपने सिंपल सा काम करना है, सेल्स रिकॉर्ड का एरे बनाओगे जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे,
पांच होंगे, ठीक है, फाइव एलिमेंट्स होंगे उस एरे के अंदर, ठीक है। उन फाइव एरेज में आपने क्या करना है, यूजर से डाटा इनपुट ले लेना है। लास्ट टाइम भी किया था, कुछ याद होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपने उस एरे के जरिए फॉर लूप लगा के इसमें डाटा इनपुट लेना है। डाटा इनपुट करने के बाद साथ ही आप उसको सेव किधर करोगे, इस फाइल में। फाइल का नाम क्या है, ऑल सेल्स डॉट डी ए टी। इसमें सारा डाटा आपके पास स्टोर हो जाएगा। सारा से मुराद क्या, आपके पास जो पांच रिकॉर्ड्स हैं इस टाइम पे, ठीक है, पांच के पांच रिकॉर्ड्स फाइल में सेव होंगे। फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट पे, रीड डाटा फ्रॉम फाइल। ये जो ऊपर फाइल बनी हुई है इसमें से डाटा को आप रीड करोगे, और आपने एक चेक लगाना है इस पे, चेक इफ स्टेटस इज कैश। स्टेटस क्या चीज थी, कैश या क्रेडिट। अगर आपके पास स्टेटस जो है वो कैश है तो आपने डाटा जो है किस में सेव कर देना है, कैश सेल डॉट डी ए टी में। अदरवाइज अगर आपके पास स्टेटस क्रेडिट था तो आप वो फाइल कौन सी फाइल में डाटा स्टोर करोगे, क्रेडिट सेल डॉट डी ए टी में। ठीक हुई बात यहाँ तक। तो अगेन इसमें क्या आ गया, कंडीशंस लग रही हैं और आपके पास दो डिफरेंट फाइल्स बनेंगी उसके अगेंस्ट। फिर क्या करोगे, इसके बाद आपके पास है यूज गेट टोटल। ये कौन सा गेट टोटल यूज हो रहा है जिसमें पैरामीटर्स हैं। ठीक हुई बात, आपने गेट टोटल फंक्शन यूज करना है जिसमें पैरामीटर्स हैं। इसमें आप एरे पास करोगे वो जो ऊपर आपने बनाया था जिसमें पांच एलिमेंट्स है, ठीक है। सेकंड आप इसमें पैरामीटर दोगे फाइव, साबित है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइव है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या रिटर्न कर देगा कि टोटल सेल उसमें जो आपने की है वो कितनी सेल है, ठीक है, आप उसको सी आउट करवा दोगे। सिंपल सा ये काम करना है, हो जाएगा या नहीं। जी 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 इसमें हमें इससे गर्ज ही नहीं, क्रेडिट है या वो कैश है। इसमें बेसिकली हमने जो ऊपर एरे नहीं बनाई थी पांच की, वो पास करनी है। हम फाइल में से डाटा नहीं लेके आ रहे, जो ऊपर एरे में डाटा हमने इनपुट लिया है ना, वो बेसिकली हमने यहाँ पे पास करना है, और जस्ट इस फंक्शन की फंक्शनैलिटीज को देखना है हमने कि वो कैसे करते हैं। ये सिर्फ बताने का मकसद ये कि आप लोग एरे को कैसे पास कर सकते हो फंक्शन में, ये वो सिखाना है सिर्फ, ठीक है। इसका फाइलिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हुई बात, यहाँ तो कोई मसला। दोनों की फ्लोट है, ये सामने। जी जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो ये जो आप एरे पास कर रहे हो, मुझे बताओ जैसे आपको पता चल रहा है कितने नंबर ऑफ मतलब इसमें वैल्यूज हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़ो ना आप, जब भी फंक्शन में आप पास करते हो एरे को, जब डेफिनेशन लिख रहे होते हो तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बताते इधर। अब यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि फाइव पास होंगे, ठीक है। साफ बात है, अगर हमें नहीं पता फाइव हैं, सिक्स हैं, टेन हैं, ट्वेल्व हैं, कितने हैं आपके पास, तो हमें साथ बताना पड़ेगा ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने। हाँ आगे ना, मतलब जब नीचे हम फॉर लूप लगाएंगे और टोटल कैलकुलेट कर रहे होंगे, हमें पता हो फॉर लूप कहाँ पे रुके, जस्ट फॉर दिस पर्पस, इसके अलावा उससे कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर आपको डायनामिक एरेज आते हैं तो वेल एंड गुड, तो फिर आप यहाँ पे डायनामिक एरेज पास कर दो पॉइंटर ना स्टेरिक करके, फिर तो आपको साथ सेकंड की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मर्जी है, मतलब दोनों ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल हम बिल्कुल सिंपल सा लेके चल रहे हैं। ठीक हो ये बात, मसला यहाँ तक, मतलब पेपर में समझ गया। इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मैं इम्प्लीमेंट करवाता हूँ, बाकी आई थिंक तो आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइलिंग के लिए कौन सी हेडर फाइल यूज होगी,
टेम्पलेट हम लोगों ने लिख लिया है, क्लियर होगी बात। इसमें मैंने एक नेम स्पेस ऐड किया स्ट्रिंग, ठीक है, क्यों यूज़ किया हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल आपने नहीं बनाना, आप बनाओगे करेक्टर ही, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्लास बनानी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम हमने रखना था सेल्स रिकॉर्ड, और इसके बाद क्या करना होता है, ये पहले ही लिख लिया करो ताकि जो है आप मिक्स ना कर दो या भूल ना जाओ। वेरिएबल्स बनाने थे, फर्स्ट वन क्या आपके पास, सॉरी आइटम नेम, करेक्टर टाइप है, और हमने 30 आई थिंक सो बोला हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला हुआ था। इसके बाद क्वांटिटी, इसके बाद इसका नाम मैं यू प्राइस रख रहा हूँ, ठीक होगी बात। इसके बाद गुड हो गया, फ्लोर टोटल हो गया, इसके बाद, और इसको हम 10 ही रख लेते हैं, मोर देन इनफ है, ठीक है, क्योंकि कैश और क्रेडिट ही हमने लिखना है। वेरिएबल और कोई रिक्वायर्ड है, नहीं है, ठीक हो गया। पब्लिक में सबसे पहला काम क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्वांटिटी को हम बोल देते हैं कोई नहीं, शहीद हो गए। अच्छा, एक हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया सेल्स रिकॉर्ड का, इसमें कोई मसला, 00 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। इसके बाद क्या करना है, सेट डाटा, वॉइड सेट डाटा, आप एक मैसेज शो करोगे, साफ सी बात है। मैं एक ही में लिख देता हूँ, ठीक है, क्वांटिटी, इसके बाद क्या था, यूनिट प्राइस और स्टेटस, इसमें टोटल आपने नहीं इनपुट लेना, ठीक है। एक मैसेज इनपुट किया और इसके बाद हमने सी इन करवा लिया, आइटम नेम, और इसके बाद क्वांटिटी, यहां तो कोई मसला, सेट डेटा में बस इतना काम होना चाहिए, नहीं, एक और भी हमने इसमें बात की हुई थी एग्जैक्टली, इसमें आपने टोटल भी कैलकुलेट करने, आपने यहाँ तक तो ये चार चीज़ें इनपुट ले ली, आइटम का नाम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, स्टेटस, लेकिन टोटल कैसे कैलकुलेट होगा, इन दो को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टोटल वेरिएबल का नाम था इक्वल्स टू क्वांटिटी इन टू यूनिट प्राइस, सॉरी गेट टोटल, आपको क्या रिटर्न करता है, टोटल की वैल्यू, तो टोटल तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ हुआ, अगर आप इसको थोड़ा सिर्फ एक मिनट रुको, ये जो गेट टोटल है आपको क्या करते हैं, रिटर्न टोटल वेरिएबल वैल्यू, तो शुरू में तो जीरो पड़ी हुई होगी, उसको कॉल करने का कोई फायदा, या तो आप एक फंक्शन और बनाओ जिसको बोल दो कैलकुलेट टोटल, जो कैलकुलेट करे और फिर आपको रिटर्न करे, ठीक है ना। ये आगे समय हमने यूज करना है, फिलहाल इसका कोई काम नहीं है अभी तक, जब हम मेन में काम करेंगे तब कहीं पे यूज होगा। तो अगर आप फंक्शन बनाना चाहते हो तो बना लो इसके लिए, लेकिन और बनेगा, वो वाला फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तो कोई मसला, ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया बेसिकली सेट डाटा, इसके बाद कौन सा फंक्शन बनेगा, ठीक हो गया। ठीक हुई बात, शो डाटा में आप लोग ये सारा कुछ डिस्प्ले कर दोगे, यहाँ तक कोई मसला,
ये तो वो सिंपल सी चीज़ें हैं, या तो हम क्लास में शुरू से ही पढ़े दो फंक्शंस, ठीक है, सेट करना और गेट करना। अच्छा, इसके बाद कौन सा फंक्शन था? गुड, फ्लोट गेट टोटल। इसने क्या करना है, बेसिकली टोटल जो वेरिएबल है उसमें जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको रिटर्न कर देना है। तो हमने सिंपल लिखना है रिटर्न टोटल, ठीक है ना। बस इसमें आप सिंपल ये काम करोगे, रिटर्न टोटल, टोटल में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको रिटर्न कर दो, सी आउट नहीं करना। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। पेपर में जो आप लोग मिस्टेक कर रहे थे वो ये वाली थी, आपको वो क्या था, रिटर्न करो, आप यहाँ पे सी आउट करवा रहे थे, ठीक है। तो जब रिटर्न का वर्ड है तो आपने इसको रिटर्न करना होता है, ठीक है। इसके बाद एक और हम फंक्शन बनाएंगे सेम नेम से, पैरामीटर क्या पास करना है, ठीक है, कोई भी नाम दे दो, एस आर, और मैं सिर्फ ई एल ई नाम दे देता हूँ, एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, आपको ये कहा गया था इसके अंदर गेट टोटल, जिसमें दो पैरामीटर्स हैं कि सेल्स रिकॉर्ड आपके पास जितने भी आए हुए हैं, 5 हैं 10 हैं 20 हैं, ठीक है, आपने उन सबका टोटल एडअप कर, सम अप करना है, और बाद में उसको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना, ठीक है। अब आप ये देख लो कि डाटा आपके पास किस फॉर्म में आ रहा है, एग्जैक्टली एरे की फॉर्म में आ रहा है होगा, सेल्स रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट आपके पास होना है। देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। एक मुझे वेरिएबल चाहिए, कौन सा, सम का, साथ में टोटल करना है ना, 5 रिकॉर्ड्स हैं 10 रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको हमने सम अप करना है, ठीक हो गई बात। इसके बाद मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, फॉर लूप। फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, नहीं ई एल ई तक, वो जो हम यूजर से इनपुट ले रहे थे वो इसलिए हमने ऊपर इनपुट ली थी, ठीक है। अभी तो मैंने कहा ना मेन में हमने 5 रखने हैं, तो कल को हम मेन में चेंज भी तो कर सकते हैं, मैं 10 रिकॉर्ड्स वहाँ पे इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो ये ई एल ई में हम वो 10 पास करेंगे, ठीक है। तो आपका लूप वहाँ तक चलना चाहिए, उतने टाइम्स चलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस इस स्टेटमेंट में किसी को प्रॉब्लम, जी जी बिल्कुल। अब बात समझना, आपके पास जो ऐसा आ रहा है वो क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट की एरे है, ठीक है, सेल्स क्लास की ऑब्जेक्ट की एरे है, और इसमें फॉर एग्जांपल डाटा कितना पड़ा हुआ है, 0 पे भी है 1 पे भी है 2 पे भी है। सपोज करो 3 रिकॉर्ड्स पड़े, एग्जांपल दे, ठीक है, ई एल ई में हमने 3 पास किया था। जब फॉर का लूप फर्स्ट टाइम पे चलेगा तो एस आर आपके पास 0 SR 0 में भी तो एक टोटल वेरिएबल है ना, एस आर 1 के अंदर भी एक टोटल वेरिएबल है, एस 2 के अंदर भी एक टोटल का वेरिएबल है, जो उसके अपने होंगे, उसमें अपनी कुछ वैल्यूज होंगी। तो मैंने क्या बोला, सम इक्वल्स टू सम में 0 पड़ा हुआ है, 0 प्लस SR 0, मतलब आई शुरू में 0 है, SR 0 से आप क्या करो, गेट टोटल गेट करवाओ, जो टोटल वेरिएबल में डाटा पड़ा है वो गेट करो, और वो किसके साथ सम अप कर, जो न्यू वैल्यू आएगी वो सम को असाइन हो जाएगी, लूप दोबारा चलेगा, ठीक है, और सम में पुरानी वैल्यू प्लस 1 हो चुके आई, ठीक है ना, SR 1, मतलब इसमें SR 1 के गेट टोटल को गेट करो, मीन्स कि इसके टोटल में जो डाटा पड़ा है वो दोबारा गेट करके लाओ, उसको सम अप कर दो लास्ट। तो इस तरह ये आपके पास बेसिकली सम कैलकुलेट कर लेगा जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं, बात समझ रहे हो। तो ये इस फंक्शन का ये काम था अभी तक जो आप बात कर रहे थे ना, सेल्स का टोटल सेल, बिल्कुल। हमने 4-5 चीज़ें रखी हुई हैं, आइटम का नाम, क्या आइटम सेल हुआ था, उसकी क्वांटिटी कितनी सेल हुई थी, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक सेल का रिकॉर्ड डाला हुआ, समझ लो कि कौन सा आइटम मैंने बेचा था, कौन सी कितनी क्वांटिटी उसकी बेची थी, उसकी यूनिट प्राइस क्या थी, एग्जैक्टली अभी कह सकते हो, मतलब 5 अभी हमने फिक्स रखा हुआ है, बाद में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, इस केस में 5 हुई है जी। नहीं देखो, गेट टोटल आप देखो हमने बनाया किधर है, या वो क्या रिटर्न करते हैं, एक क्लास में बना हुआ है रिटर्न टोटल। जब मैं इनपुट लूंगा तो साबित है इनपुट में क्या होगा, टोटल डिफरेंट होंगे ना, कहीं पे मैं एक क्वांटिटी परचेज करता हूँ, कहीं पे मैं 3 सेल करता हूँ, सेल बोलो, कहीं पे मैं 1 सेल करता हूँ, कहीं पे मैं 5 सेल करता हूँ, उसके लिहाज से टोटल हर ऑब्जेक्ट का टोटल एक अपना होगा, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है।
एग्जैक्टली हम ये करेंगे कि हम डिफरेंट डालेंगे, सेम हो सकते हैं, चांस है, ठीक है ना। नहीं नहीं गेट टोटल, आप अगर इसको स्टडी पढ़ो ना दोबारा, कौन सा नीचे वाला, हाँ ये वाला टोटल सेल, मतलब एग्जैक्टली जो आपके पास हमने जितने आइटम्स क्या जितने ऑब्जेक्ट्स पास किए हैं ना उनकी टोटल सेल बताएगा, ठीक है। नाम मैंने खुद देख रखा था कि आपको ये जहन में रहे कि फंक्शन ओवरलोड भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। हमने बहुत सारे कवर इसमें रिवाइज कर लिए टॉपिक्स को, ठीक है। कौन सा गेट टोटल, ऊपर वाला ये वाला, एग्जैक्टली वो एक का बता रहे, उसकी सिर्फ टोटल अमाउंट बताएगा, वो देखो ना क्या रिटर्न हो रहा है। जस्ट वन चीज, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, वो ऊपर हो चुका था सेट डाटा करते हुए, ठीक है। तो गेट टोटल सिर्फ आपको टोटल की वैल्यू बताएगा, बस और कुछ भी नहीं। जी जी बिल्कुल, वो मेन में चल के वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इनपुट लेते हो ना, वो आपको वहाँ पे और आइडिया हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बेसिकली मैंने टोटल सेल जो एरे में आई हुई थी ना, 5-10 जितनी भी थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। यहाँ तक आई थी, उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए। एक चीज़ अभी भी मिसिंग है इस फंक्शन में, यस आपके पास रिटर्न फ्लोट है, तो आपको फॉर लूप के बाहर जाके रिटर्न करना पड़ेगा सम। यहाँ पे तो कैलकुलेशन तो हो रही है, लेकिन हमने उसको रिटर्न भी करना है, ठीक है। तो आप फॉर लूप से बाहर करोगे, फॉर लूप में करोगे तो क्या नुकसान होगा, नहीं नहीं हर ऑब्जेक्ट ने एक ही दफा वो सम करके उसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि रिटर्न तो जस्ट वन टाइम कॉल होगा ना। रिटर्न मीन्स के पास पूरे फंक्शन से बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। तो वो आपके पास अप्रोच मतलब सिर्फ एक को सम करके देगा आपको, फर्स्ट वन को। जी इसकी बात कर रहे हो, बना लो ऊपर बना लो बेशक। उसमें अगर आप ऊपर बनाते हो, सपोज करो आप यहाँ पे आते हो, जी जी करना है। सपोज करो आपने यहाँ पे बनाया था, एग्जांपल दे रहा हूँ, और कंस्ट्रक्टर में सपोज करो आपने जीरो इनिशियलाइज करवा दिया, मैंने कहा इसको डिलीट करना है। इस फंक्शन में आपने ये चीज़ नहीं रखी, नहीं रखी। अब मुझे बताओ, एक दफ़ा ये फंक्शन आपने कॉल किया गेट डेट गेट टोटल का, ये वाला फंक्शन, उसने सम में जीरो पड़ा हुआ था कंस्ट्रक्टर की वजह से, उसने सारी कैलकुलेशन की और सम में सपोज करो जो वैल्यू आई थी वो जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ 1000 आ गई थी। उस इसी ऑब्जेक्ट के जरिए मैं दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, बात समझना। कंस्ट्रक्टर नहीं, मैंने इसी ऑब्जेक्ट के जरिए दोबारा फंक्शन कॉल कर दिया, हाँ नया ऑब्जेक्ट बनाए नहीं। तो वो क्या करेगा सम में, तो उसके पास लास्ट वैल्यू क्या पड़ी हुई होगी 1000, वो 1000 से आगे काम शुरू कर देगा, समझ रहे ना बात। ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो मैंने दोबारा फंक्शन देखो ना, ऊपर एक दफा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया obj_s नाम से, तो उसने इनिशियलाइज सम को जीरो कर दिया, मेरे कंस्ट्रक्टर में होता है कॉल, ठीक है, कॉल हुआ था। मैंने लिखा obj_s.getTotal, बाकी पैरामीटर्स पास कर दिए, उसने मुझे कुछ आंसर दे दिया जो बेसिकली 1000 था। मैंने कुछ काम परफॉर्म किया, मैंने दोबारा क्या कर दिया obj_s.getTotal, किसी वजह से नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो सम में तो लास्ट वैल्यू क्या पड़ी हुई है 1000 पड़ी, मैं ऊपर ले गया हूँ, लेवल चेंज कर दिया, क्लास लेवल पे ले गया हूँ ना। तो क्लास लेवल का मतलब क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू तो अब जहाँ चेंज करोगे वो चेंज ही रहेगी ना। अब वो 1000 से आगे कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, तो ये गलत है ना। मैंने यहाँ पे नए पैरामीटर्स पास किए, उनकी नई वैल्यूज होनी चाहिए, तो वो तो 1000 प्लस समथिंग, तो अब क्या करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो आपको फिर भी ये चीज़ लिखनी पड़ेगी सम इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इसको आप लिखना चाहते हो तो आपको सम इक्वल्स टू जीरो हमेशा इधर शुरू में रखना पड़ेगा, कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ करे सम जीरो हुआ करे। जब ऐसा होता है ना कि आपको फंक्शन हर फंक्शन कॉल के स्टार्टअप पे क्या करना पड़ो, वापस इनिशलाइज जीरो से करना पड़ो, तो आप उसका लेवल ही लोकल ले आते हो। जब ये फंक्शन कॉल हो तब मेमोरी में ये एलोकेट हो, ठीक हो गया। तो अब ये थोड़ा सा बहुत क्लियर हो गया, मतलब कि ऐसे सिनेरियोस में आप कोशिश करते हो कि कम से कम मेमोरी यूटिलाइज हो रही हो, तो इसको लोकल लेवल पे लाने का क्या फ़ायदा हो गया। जब फाइल में डाटा सेव होगा तब भी मेमोरी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो लोकल स्कोप है ना, लोकल स्कोप का तो कोई कुछ भी नहीं होता। जब तक तो फंक्शन कॉल नहीं होगा इसका स्कोप आएगा नहीं, ठीक है। अदरवाइज आप करना चाहो तो कोई मसला नहीं है, बस आपको वो लॉजिक सोचनी पड़ेगी कि जीरो आपको दोबारा लाजमी कर लें।
अच्छा यहाँ तक कोई और मसला, क्योंकि क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। मतलब ये वाली क्लास नहीं, मतलब सेल्स रिकॉर्ड ही क्लास ख़त्म हो रही है, मैं पहले ही पता था। दो बातों पे अटेंटिव होते हैं, क्विज़ की बात पे और एक इस टाइप की कोई बात हो। अच्छा यहाँ तक आई थिंक सो मसला नहीं होना चाहिए। सॉरी पेपर अभी तक नहीं हुए, वो बस वो लास्ट टाइम जो चेक हुए थे उतने ही हुए हुए हैं। अभी मैं ब्रेक वो ब्रेक कह रहा हूँ लैब के टाइम में कर देता हूँ, ठीक है इतना ही कर सकते हो, नहीं तो दो चार दिन और लग जाएंगे। ठीक हो गया, वो हम लिख लिया, वो पक्का हो चुके हैं उस, वो तो माफ़ी नहीं है। कौन क्या नहीं याद कर, नहीं नहीं वो माफ, वो माफ़ी है अभी, नेक्स्ट टाइम पे, पहली दफ़ा माफ़ होता है। अच्छा मेन में आपने क्या करना है, आपको सारी इंस्ट्रक्शंस गिवन है। यस आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे, कोई भी नाम दे दो। एग्जैक्टली हमने फाइव एरे फाइव का बना लिया, ठीक हो गई बात। ओ बी जे एस फाइव, इसका क्या मतलब है, ओ बी जे एस जीरो, ओ बी जे एस वन, ओ बी जे एस टू अप टू ओ बी जे एस फोर, ठीक है ना। तो टोटल बेसिकली चार ऑब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे क्रिएट किए, ये चीज़ जहन में रखना आप लोग। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपको क्या लिखना पड़ता, अगर आप एरे ना बनाते तो आपको ये लिखना पड़ता ओ बी जे एस वन, ज़बरदस्त, ओ बी जे एस टू और अप टू फोर तक, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाऊँ, तो मैंने कहा कि यार एक ही दफ़ा हम एरे बना लेते हैं इनकी, ठीक हो गई बात। तो फिलहाल हमारा ये काम नहीं था, हमने सिंपल ये किया। यहाँ तक मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है। तो यूज़र से जो इनपुट लोगे वो कितने इनपुट्स लोगे, पांच इनपुट लोगे, जीरो वन टू थ्री फोर इंडेक्स का डाटा। तो बेटर अप्रोच क्या है, आप फॉर लूप लगा लो, फॉर इंट आई इक्वल्स टू आई इज लेस देन आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली हम इनपुट लेने लगे हैं। अच्छा यहाँ पे आप क्या करोगे, यूजर से डाटा इनपुट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूँ ओ बी जे एस आई डॉट सेट डाटा, ये फंक्शन क्या करेगा, जीरो इंडेक्स के ऊपर यूजर से इनपुट लेगा, वो पांच चीज़ें, चार चीज़ें इनपुट लेगा, पांचवीं ऑटो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। फिर लूप दोबारा चलेगा, वन इंडेक्स के ऊपर डाटा लेगा, टू इंडेक्स पे, थ्री पे, फोर पे, तो चार वेरिएबल्स में यहाँ पे डाटा इनपुट हो रहा है। वो जो आप लोग मुझसे गेट टोटल पूछ रहे थे ना, अब आपको समझ आइए कुछ कि हर ऑब्जेक्ट का अपना एक टोटल होगा, क्योंकि उसकी अपनी क्वान्टिटी होगी, उसकी अपनी यूनिट प्राइस होगी। सेट डाटा ऐसे ही काम कर रहा होता है ना, आपसे वो सारा कुछ इनपुट लेगा, ठीक होगी बात। अच्छा यहाँ तक तो हो गया इनपुट की बात, लेकिन हमने एक और काम भी साथ करना है, फाइलिंग भी करनी है। आपने जो डाटा यूजर से इनपुट लिया है, इस डाटा को आपने फाइल के अंदर राइट कर देना है, ठीक है। तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, फाइल में डाटा राइट करना है, कौन सी क्लास यूज होगी, गुड ओ एफ स्ट्रीम ओ एस डॉट ओपन, और फाइल का नाम क्या रखना है, All says, जो भी नाम देना, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, सेकंड फाइल मोड कौन कौन से होंगे, iOS बाइनरी प्लस एक और कौन सा, कैसे पता चले, बिल्कुल ताकि आपके पास सारा डाटा इसमें सेव होता रहे, ठीक हुई बात। अगर आप अपेंड नहीं करोगे तो लास्ट जो भी डाटा होगा वो ओवरराइटेड आपको मिलेगा। अच्छा यहाँ तक ओपन हो गई बात, ये आपने डाटा यूजर से इनपुट ले लिया, अब आपने ओएस डॉट गुड राइट परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जी जी पार्सिंग के लिए, कास्टिंग के लिए, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओ बी जे एस, यस गुड, ये आपने पूरा बताना है। ओ बी जे एस इज नथिंग, वो जस्ट एक एरे है, वो एक पॉइंटर है, वो जो स्टार्ट एड्रेस आपको दे देगा, लेकिन मुझे ओ बी जे एस आई मतलब जो जीरो इंडेक्स या वन इंडेक्स जो भी है उसका डाटा मुझे चाहिए पूरा, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ लिखोगे और साथ ही आपने क्या लिखना है, कॉमा,
ये देख के बता रहे हो या रट्टा लगा हुआ है? सच निकल गया, गुड है, रट्टा भी अच्छी चीज़ होती है। वो मेरे साथ एक दोस्त था ना, वो पूरे मैथ्स के ना कैलकुलस वगैरह के सवाल रट्टा लगा लेता था, मतलब तो उसको पूरे स्टेप्स याद होते थे। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। अच्छा यहाँ तक बात समझ आ गई, ओ एस डॉट राइट आपने परफॉर्म कर दिया, ये फर्स्ट डाटा आया, फर्स्ट डाटा आपने राइट कर दिया, सेकंड डाटा इनपुट होगा, जब फॉर का लूप दोबारा चलेगा दोबारा राइट फाइल में परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह ये 5 5 डाटा आपके पास जो है वो राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करोगे फॉर लूप के बाहर? ओ एस डॉट लाजमी करोगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक मेन जो था आपने डाटा इनपुट लिया, 5 डिफरेंट डाटाज आप इनपुट लोगे और उनको आप कहाँ पे स्टोर कर दोगे? फाइल में स्टोर कर दोगे। इसके बाद आपने क्या करना है? फाइल को दोबारा रीड करना है। फाइल को क्या करना है? दोबारा रीड परफॉर्म करना है। और जब फाइल रीड करोगे तो उसके बाद क्या था? स्टेटस को आपने चेक करना है। स्टेटस अगर आपके पास आता है कैश तो कैश वाली फाइल में डाल देना है, और अगर आपके पास स्टेटस आता है क्रेडिट तो आपने वो क्रेडिट वाली फाइल में डाटा स्टोर कर देना है। सिंपल। सबसे पहला हम लोग क्या काम करें, यहाँ पे आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कौन सी फाइल ओपन करनी है? वो जो ऊपर हमने नाम दिया वही नाम यूज करोगे, ठीक है? हमने आल सेल्स यूज किया हुआ है तो वो यूज कर लेते हैं। आईओएस फाइल मोड क्या होगा? गुड, बाइनरी। इसमें अपेंड की जरूरत आपको? जबरदस्त, हो गया। यहां तक कोई मसला? फाइल आपने ओपन कर लिया, फाइल जब ओपन करोगे तो इसमें बहुत सारा आपके पास डाटा आएगा, ठीक है? तो हमने वाइल का लूप लगाना है, प्लस मैं एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। क्यों? बिल्कुल। तो मैं टेम्प के नाम से बना रहा हूँ, इसमें हम लोग बेसिकली टेम्प में डाटा वन बाय वन लेके आएंगे और उसको चेक करेंगे कैश है या वो क्रेडिट है। कैश है तो फाइल में इंसर्ट कर देंगे, क्रेडिट है तब भी, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ लूप क्या लगेगा? वाइल आई एस नॉट आई एस इज एंड ऑफ फाइल, ठीक हो गई बात? इसके बाद एंड नहीं 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 आई एस डॉट इज नॉट इक्वल टू -1। ये आपको याद है क्यों गेट करते हैं? वो आखिरी रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना है आपके पास, ठीक हो गई बात? ये आपने किया। और यहाँ पे सिंपल आपने क्या कर देना, पहले सबसे पहले गुड हो गया, सबसे पहला काम आपने ये तो फौरन करना है, अदरवाइज आपके पास वो देखा था हमने वैल्यूज आपके पास सारी खराब हो गई थी, तो अनगेट आप वापस करवाओगे उससे। इसके बाद क्या होगा? नहीं, उससे पहले डाटा रीड करके लाने, अभी तक हमने डाटा रीड नहीं किया, ठीक है? तो इससे पहले हम लोग डाटा को रीड करते हैं, आई एस डॉट गुड। आगे बताओ, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आने? टेम्प में, क्योंकि मैंने टेम्प हमने ऊपर बनाया था, ठीक है? इस टेम्प के अंदर हम लेके आएंगे और साथ ही आप टेम्प, ठीक हो गई बात? आप लोगों इस टेम्प के अंदर डाटा ले आए, फर्स्ट जो भी डाटा था वो इस टेम्प के अंदर आ गया, ठीक है? इस टेम्प के अंदर आने के बाद आप क्या करोगे? कंडीशन लगाओगे, इफ आगे टेम्प डॉट स्टेटस गेट होगा, स्टेटस प्राइवेट में पड़ा हुआ है। स्टेटस एक वेरिएबल है जो प्राइवेट में पड़ा हुआ है, क्या वो एक्सेसिबल है यहाँ पे? नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डोंट से उसको पब्लिक कर दो। देखो असल में बताने का मकसद ये था कि क्वेश्चन में कंप्लीट चीज़ें नहीं होती, जब आप काम कर रहे हो तो प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको बीच में जाके चीज़ें पता चलती हैं। अब आप क्या सोचोगे यहाँ पे आके? एग्जैक्टली आप एक फंक्शन बनाओगे जो स्टेटस को रिटर्न करेगा आपको, जैसा कि टोटल रिटर्न हो रहा था ना, उसी तरह एक फंक्शन आपको दोबारा बनाना पड़ेगा जो क्या रिटर्न करेगा आपको? स्टेटस को। ये कभी भी मत किया करो कि आप यहाँ पे जो है ना, जरूरत पड़ी आपने उठा के इस वेरिएबल को ना स्टेटस को कहाँ पे ले गए पब्लिक में, ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है? बात, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या बोलती है आपको? डेटा हाइडिंग। आपके पास जो वेरिएबल्स हैं इट शुड बी इन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है? उन दो में कहीं पे होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन छोटा सा बना रहा हूँ। जी जी बिल्कुल।
फंक्शन में हम क्या करेंगे बेसिकली, क्या नाम था उसका, ठीक हो गया, गेट स्टेटस, जी बताओ एरर्स कैसे रिटर्न होते हैं। एरर कैसे रिटर्न होगा, इस तरह नहीं कर रहा, इंडेक्स नहीं होता, फंक्शंस में नहीं पढ़ा था, पढ़ा हुआ है, कोई नहीं पढ़ा हुआ, पॉइंटर्स के जरिए होता है, इसमें पॉइंटर्स मैंने पढ़ाए नहीं है, मुझे नहीं पता कितने आपको आते हैं पॉइंटर्स, कितने किस लेवल पे आते हैं, बस नाम ही काफी है। तो फिलहाल फिर आप लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ, मुझे याद कराना नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंटर्स को स्टडी करेंगे पहले, ठीक है ना, ताकि आपको ये पॉइंटर्स का पता चल जाए। फिलहाल हमारा इसमें स्कोप ये है, मैं इसको फिलहाल पब्लिक कर रहा हूँ, अगेन असल में आपने पब्लिक नहीं करना, ठीक है, जस्ट फॉर इजी, थोड़ा सा काम आसान हो जाए। अच्छा फिलहाल मैंने इसको कर दिया पब्लिक और स्टेटस आ गया, टेम्प डॉट स्टेटस इक्वल्स टू इक्वल्स टू क्या, कैश, सब्र करो अभी, अभी देखो टेम्प में डाटा आ चुका था, फाइल में से डाटा उठ के आया और आप लोगों ने इसके स्टेटस को कैश के साथ चेक किया, मसला ये आता है करेक्टर को आप इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते, वो आप वाली बात ना, वो भी मैं इसमें ले आया हूँ, ठीक है। तो आप स्टेट जो करेक्टर्स होते हैं ना, करेक्टर एरेज, उनको आप इस तरह कंपेयर नहीं करते, ये बेसिकली क्या कंपेयर करते हैं, टेम्प डॉट स्टेटस इसका क्या मतलब है, उसका वो स्टार्टिंग एड्रेस उठा लेते हैं, क्योंकि एरे है ना आपके पास, तो वो एरे का स्टार्टिंग एड्रेस उठा के कैश के साथ मैच करते हैं, तो क्या एड्रेस इसके साथ मैच होगा, नहीं होगा, कभी भी कंपेयर नहीं होगा, तो आपको हर बार नॉट इक्वल करता जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेथड अपना, यहाँ पे एक फंक्शन होता है str कंपेयर, str cmp स्ट्रिंग कंपेयर, ठीक हुई बात। आप ये फंक्शन कॉल करोगे, ये जो हमने ऊपर क्लास यूज की थी ना स्ट्रिंग की, वो हमने इसलिए यूज की थी, मुझे ये फंक्शन यूटिलाइज करवाना था, str cmp स्ट्रिंग को कंपेयर करे, तो साफ बात है कंपेरिजन किन के दरमियान होता है, दो चीजों के दरमियान। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख दो टेम्प डॉट, क्या नाम था उसका, स्टेटस, और इक्वल्स कॉमा, दूसरा क्या आपके पास, कैश, आपके पास अब क्या होगा बेसिकली, str कंपेयर, ठीक है, स्ट्रिंग कंपेयर, ये दो बेसिकली आपको डेटा है, इसको ऑटोमेटिकली बिल्ट इन फंक्शन है, दोनों को कंपेयर करेगा, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये दोनों कंपैरिजन में फॉल्स हो जाते हैं, इक्वल नहीं आते, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आपका हुआ इफ, अगर फंक्शन ट्रू रिटर्न करती है तो इसका क्या मतलब है, इक्वल है, अगर वो फॉल्स रिटर्न करती है तो जंप कर जाए एल्स पे, बात समझ रहे हो ना। तो एस टी आर कंपेयर आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, अगर दोनों आपके पास मैच हो जाते हैं तो उसको क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ट्रू के केस में क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली इसको हमने एक और फाइल के अंदर डाटा स्टोर कर देना। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यस ओ एफ स्ट्रीम का बनेगा, ओ एस वन नाम दे देते हैं या जो भी देना है, ओ एस वन डॉट ओपन, कौन सी फाइल में ऐड होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर ये दोनों कंपेयर हो जाती हैं, स्टेटस जो है वो कैश के इक्वल आ जाता है, तो उसका क्या मतलब है कि जो ये सेल थी वो कैश की थी, तो कैश की फाइल में जाना चाहिए। तो मैंने लिखा कैश सेल डॉट डी ए टी, फाइल का नाम जो भी आप रख लो, और आई ओ एस जबरदस्त बाइनरी, जबरदस्त हो गया, यहां तक कोई मसला, इसके बाद क्या करोगे, अभी भी एक काम और करना है आपने, ओ एस वन डॉट राइट, फाइल में डाटा राइट भी तो करना है, और फर्स्ट पैरामीटर
ठीक है, और करेक्टर स्टेरिक जी बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट का डाटा इसमें स्टोर करना है। यस बिल्कुल, क्योंकि आप देखो इस जो फाइल से डाटा उठा के लाए थे वो टेम्प में लाए थे और टेम्प पे ही कंपैरिजन परफॉर्म किया, तो इस टेम्प में फिलहाल कौन सा डाटा पड़ा है, हम क्या सपोज करें कैश का, अगर ये ट्रू होता है तो हम ये कोड लिख रहे हैं, ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे हम लेके आएंगे एड्रेस ऑफ टेम्प और फिर हम लोग लेके आएंगे साइज ऑफ टेम्प, ये डाटा राइट हो जाएगा। और साथ ही आप लोग क्या कर दोगे, OS1. ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, अगर एल्स का केस था एल्स के केस में बेसिकली हम कह देते हैं क्रेडिट सेल, बाकी आपको कोई चेंज होगा नहीं होगा, सिर्फ आपकी फाइल चेंज हो रही है, ठीक होगी बात ना। तो इवन के मैंने ऑब्जेक्ट का नाम भी सेम रखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। वन इसका स्कोप किधर है, सिर्फ इस एल्स तक है, इफ तक था, इसके अंदर स्कोप, ठीक होगी बात। तो मैंने सेम नाम ही यूज़ कर लिया, बस जस्ट क्या चेंज किया यहाँ पे, फाइल का नाम बदल दिया, बाकी पैरामीटर्स और सब कुछ आपका सेम रहेगा। अच्छा यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, अगर उसको कैश मिलता है तो वो कैश फाइल में जाएगा, उसको क्रेडिट मिलता है तो क्रेडिट में जाएगा, बस यही काम करना था, ऐसे ही है ना। एक और अब फंक्शन बस रह गया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ तक हम लोग सारा काम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा रह गया एक, आपने सिंपल गेट टोटल फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, और उसमें सेल का जो भी डाटा आ रहा है वो आपने डिस्प्ले कर देना है। कैसे होगा, इसमें फाइलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये जस्ट एक वैसी फंक्शन है, आपने इसको कॉल करना है। कैसे कॉल करोगे, नहीं मैं एक नया ऑब्जेक्ट ना बना लूँ, क्या कहते हो, एक नया ऑब्जेक्ट बना लेती है, अदरवाइज आप उसके लिहाज से यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्लास का नाम क्या है, सेल्स, ठीक है, सेल्स रिकॉर्ड OBJS1 मैंने बना लिया, और मैंने क्या बोला, OBJS1.get टोटल, ठीक हुई बात। और इसमें मैंने क्या पास करना है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ऊपर जो हम यूज कर रहे हैं, OBJS जो एरे हमने बनाई हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या चीज पास करोगे, OBJS कॉमा, कितने इसमें एलिमेंट्स थे, 5, आपको पता है, ठीक है, ये आप करोगे। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, टोटल सेल कैलकुलेट करेगा आपकी, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको सी आउट करवा देते हैं, या इसको आप वेरिएबल में ले जाओ और उसके बाद यहाँ पे शो कर दो, ठीक हो गई बात। यहाँ तो कोई मसला, फंक्शनैलिटी जो हमने मिस की हो, कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो हम मिस कर चुके हो अभी तक, ये वाला जो है, अच्छा ठीक है, पहले वो सिंपल वाला मैं नहीं बता रहा, पहले इसको हम देखते हैं। एक आपके पास गेट टोटल था जो क्या काम करता है, जो बेसिकली दो पैरामीटर्स इनपुट लेते हैं, ऐसी बात है। तो आप यार जरा यहाँ पे पहले देखो, मेन में मैंने क्या किया, OBJS1.get total, ठीक है, इसमें पास क्या किया, OBJS, व्हाट इज OBJS, इट इज एन एरे, ठीक है, जो हमने ऊपर एरे बनाई थी OBJS, जिसमें हमने 5 एलिमेंट्स को रखा था, ऐसी बात थी ना। मीन्स कि आप क्या कह सकते हो, OBJS0 पे हमने कुछ डाटा इनपुट किया था, OBJS1 में कुछ डाटा इनपुट किया था, और कहाँ तक, 4 तक किया इनपुट या नहीं किया है, फॉर लूप लगाया था ऊपर, अगर आपको याद हो, फॉर लूप लगा के हमने बार बार सेट डाटा कॉल किया था, 0 के लिए अलग सेट डाटा, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, ये बीच में आई लिखा हुआ है समझ लो, ठीक हो बात। ये सारा डाटा हम लोगों ने इनपुट ले लिया, अब मैंने क्या किया, जो डाटा इनपुट लिया हुआ था वो मैंने इस फंक्शन में पास कर दिया, और साथ ही उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए, कितने रिकॉर्ड्स मैंने इनपुट लिए थे, 5 लिए थे, ठीक है। अब देखो साबित है, इसका कुछ टोटल होगा, सबका टोटल होगा ना, अपना कोई, इसका अपना टोटल होगा, इसका अपना टोटल होगा, क्योंकि जब 0 के ऊपर सेट डाटा हुआ था तो आपसे उसने क्या क्या मांगा था, क्वांटिटी मांगी थी, यूनिट प्राइस, नेम, आइटम का नाम, उसका स्टेटस, ये सारा कुछ मांगा था। सिर्फ ऑब्जेक्ट 0 के लिए उसने ये 4 चीजें आपसे मांगी थी, और साथ ही उसने टोटल ऑटो कैलकुलेट किया था, कैसे किया था, क्वांटिटी वाइज यूनिट प्राइस, ठीक है। ये सारा काम उसने 1 के लिए किया या नहीं,
दोबारा आपसे इनपुट ली, टू के लिए, थ्री और फोर, इन सब के लिए आपसे उसने बार बार इनपुट ली वो फॉर के लूप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो हर ऑब्जेक्ट के लिए ना अलग अलग इनपुट लेता रहा, क्लियर होगी बात। अब ये फंक्शन करेगा क्या, हम इस फंक्शन की डेफिनेशन पर जाते हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन है जो क्लास में हमने लिखी है, ये वो एस, ये तो समझ आ गया ना जो पैरामीटर पास हुआ है कौन सा है, ई एल ई भी आपको समझ आ गया, फाइव हमने पास किया। अब यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे मैंने एक सिंपल वेरिएबल बनाया सम, उसको बोल दिया जीरो, शुरू में सम जीरो है, फिर मैंने बोला ये लूप कब तक चले, ई एल ई मतलब फाइव टाइम्स चले हमारे केस में, और फाइव टाइम्स वो क्या करेगा, सम शुरू में जीरो है और जीरो के बाद एस आर जीरो, मैं आपको क्या कहता था एस आर जीरो मतलब ओ बी जी एस जीरो में जो टोटल पड़ा हुआ है वो गेट करके लाएगा, ठीक है। वो कैसे गेट करेगा, ये गेट टोटल का फंक्शन एक बना हुआ है, तो गेट टोटल का फंक्शन अगर आप देखना चाहो तो वो ये बना हुआ है। गेट टोटल क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के जरिए जो भी टोटल डेट पड़ा हुआ है वो आपको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आती है, बेसिकली क्या करेगा, एस आर जीरो डॉट गेट टोटल, जो भी टोटल की वैल्यू है वो ले उठा के रिटर्न करेगा और सम में प्लस कर देगा, ठीक है। तो सम में कुछ नई वैल्यू आ चुकी होगी, फॉर एग्जाम्पल 10 आ गई है, फिर उसने क्या किया 10 प्लस एस आर 1 मीन्स के जो 1 इंडेक्स के ऊपर टोटल पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा और सम में प्लस करता जाएगा। तो ये फंक्शन बेसिकली ये काम कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट का डाटा उठा के लाते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करो, ओबीजे 0, 1, 2, 3, और ये आपके पास जो फंक्शन ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उन सब की सेल को कैलकुलेट करते हैं आपके, तो दोनों में ये डिफरेंस है। थोड़ा बहुत समझ आया कोई नहीं आपको? नहीं, हमने बताया है उसको, नहीं नहीं देखो आपका जब भी एरर्स होते हैं जो स्टैटिक एरर्स होते हैं वो साफ सी बात है वो एक फिक्स होते हैं, आप बताते हो साइज पहले ही, 5 है, 10 है, 15 है, डायनामिक की नहीं बात कर रहा। तो जब आप ये लिखा ना आपने पास किया ओबीजेएस, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता होता है कि 5 इंडेक्सेस चलेंगे 0 to 4, उसको ऑटोमेटिकली पता होता है। लेकिन फॉर लूप की वजह से हमें ये बताना पड़ रहा होता है जब हमने मैनुअल कोडिंग करनी होती है। जी बिल्कुल ठीक हो गई बात, यहाँ तक कोई मसला? तो ये जो पूरी एप्लीकेशन थी एक छोटे केस स्टडी थी बल्कि बोल लो, ठीक है। लिखा हुआ ज़्यादा है, इम्प्लीमेंट कम लाइन ऑफ कोड में हो गया, 109 लाइंस सेंचुरी हो गई है, ठीक हो गई बात। यहाँ तक कोई मसला? नोट डाउन तो नहीं करना होगा, क्या करोगे? शेयर कर दूंगा, बिल्कुल वही कह रहा हूँ। अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो, जो नहीं करना चाहते वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें ना खुद से एक दफ़ा, ठीक है। जो नोट डाउन करना चाह रहे हैं वो साथ नोट डाउन कर लें।